देखा जाए तो ये लोग का जो लीडर लोग है उसमें कुछ पैटर्न है। तो मैक्रोन का बात चल रहा था कि उसका वाइफ आदमी है और उनका एज में 25 साल का डिफरेंस है, वो 46 का है वो उस और वाइफ अराउंड 80 इयर्स का है। तो उनकी प्रेम कहानी, वो ड्रामा स्टूडेंट था मैक्रोन और उसका बीवी उधर टीचर था, फिर दोनों में प्यार हो गया, शादी हो गई। तो इट इज ये लीडर लोग अचानक बनाए गए और इनका बहुत सारा लाइफ का पार्ट मिसिंग है। जैसा वो उसकी बीवी है, उसका बीवी स्कूल गया रहेगा, कॉलेज गया रहेगा, काम पे गया रहेगा, एक भी आदमी पहचान का नहीं है उसमें, फोटो भी नहीं है वो टाइम फ्रेम का, तो मिसिंग पास्ट है इतने सारे साल। अगर मैं कुछ बड़ा आदमी बन गया तो कौन सा स्कूल में था, कौन सा कॉलेज में था, उधर के लोग मेरे टाइम के मेरे को पहचानेंगे, तो आई विल बी हैविंग ए रियल पास्ट। तो इनका पास्ट गायब हो जाता है। और सेम वो ओबामा की बीवी का भी है, आदमी है वो, और उसमें कोई शक नहीं क्योंकि वो क्लियरली आदमी दिखता है। और एक चिकना आदमी जो दिखने में अच्छा है कोई भी पटा सकता है, उसको छक्का पसंद आता है। तो मतलब ये लोग की कहानियाँ बनाई जाती है और फिर इनको लीडर बिठाया जाता है, पपेट, और उसके थ्रू काम करवाया जाता है। सबसे बिका हुआ कनाडा का है शिल, टोचन 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 करते रहता है। बाद में वो भी पब्लिक के लिए आके बोलता है कि चॉइस था टोचन ठोकने का, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया, जबकि वो खुद ने पब्लिक स्पीकिंग में बोला है कि लेना ही पड़ेगा टोचन, नहीं तो काम पे नहीं आने देगा, और सब लोग को 3 टोचन घुसाया उसने। तो मतलब झोल तो है मैक्रोन में भी और इसमें भी कनाडा वाले, और वो भी होमो है। अभी सबसे बड़ा होक्स स्टीफन हॉकिंग का है। वो आदमी 16-17 साल में ही अपाइज हो गया था, कौन सा बीमारी था उसको, ALS। वो बात कैसा करता था जब उसको नया नया बीमारी हुआ था, तो एक BBC वाला ने इंटरव्यू लिया उसका, और एक इंटरप्रेटर था, तो हॉकिन ऐसा बात कर रहा था, तो उसका इंटरप्रेटर ब्लैक होल गॉड पार्टिकल उसका बात कर रहा था। तो मतलब एक्चुअली खुला जोक था वो सामने सामने, एंड पीपल फेल टू रियलाइज कि इट वॉज ए होक्स। और उसको 3 बच्चा हुआ बायोलॉजिकल। अभी जो अपाइज है ऐसा कुर्सी में बैठा है, बात भी नहीं कर सकता, उसका न्यूरॉन्स कुछ कम है, तो थोड़ा सा ही मतलब ऐसा इतना ही बोल सकता है। तो उसको 3 बच्चा हुआ। चलिए, मैंने उसका सर्च किया था कि कैसे उसको बच्चा हुआ, तो बोलता है वॉलेंटरी मसल काम नहीं करता है बट इनवॉलेंटरी मसल काम करता है। तो ऑफकोर्स झूठ बोला, अपाई जो है दिखता ही है, एक मसल काम नहीं करता है उसका, और उसका खड़ा होके बच्चा भी निकलता है वो। तो ये कहानी सुनाई स्टीफन हॉकिन की, एक अपाइज को ये लोग ने सुपर साइंटिस्ट, और उसका लाइफ बनाया गया कि उसका शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, एक एलियन जैसा ही लगता है कि किसी आदमी को बनाने का जो वो नहीं है, उसका फैमिली दिखाने का, बचपन ने ऐसा किया था,
भाई साहब किया था उसका कहानी सुनाने का, और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मीडिया से उसको कुछ तो बनाने का। जैसे हॉकिन, वो लिटरली अपाहिज है, उसने कुछ 10-12 बुक लिखा बोलता है। वो सिर्फ अभी तो वो बात भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, कुछ तो बटन को देखता है या दबाता है और आवाज़ निकलता है। तो मतलब उसने किताब कैसा लिखा फिर, जब वो उसके पास न्यूरॉन ही नहीं है कि वो सोच सके, और फिर उसने 10-12 किताब लिखा, 3 बच्चा पैदा किया। तो ये कहानी सुनाई, और ये मेरे को अभी अभी मैंने देखा, मैंने भी स्टीफन हॉकिन देखा था, मेरे को लगा रहेगा साइंटिस्ट, बट अभी उसका आइलैंड में जाया था, एप्स्टीन आइलैंड में उसका आया था नाम, तभी मैंने देखा अरे चाले ये तो लिटरली अपाहिज है, इसको बनाया गया है कि ऐसा, कि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद एक सक्सेस स्टोरी बनाया कि साइंटिफिक किताब लिखता है, फिजिक्स का जानता है, और 3 बच्चा पैदा करता है, 10-12 किताब लिखता है, कहानी बनाई। सिमिलरली मैक्रोन की कहानी बनाई, उसकी बीवी की कहानी बनाई, इनका पास्ट गायब है, 30-40 साल का कोई है ही नहीं, रेफरेंस ही नहीं है। मतलब तू स्कूल में गया रहेगा, कॉलेज में गया रहेगा, तभी का तेरे टाइम का कॉलेज का दोस्त लोग रहता है ना, तो इनका पास्ट ही नहीं है, फोटो नहीं है, और ये लोग लीडर बनाए गए ताकि आसानी से कंट्रोल हो सके, और ये लोग को होमोगिरी का आदत रहेगा ऐसा कुछ, तो ये लोग को ब्लैकमेल करके इनके थ्रू काम कराया जा सकता है, ऐसा कुछ है। और ओबामा का भी सेम ही है, ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने आदमी का मास्क पहना है और उनकी कहानी बना के लीडर बनाया गया और ये सब चल रहा है। मतलब कितने सारे हुक्सेस हैं। स्टीफन हॉकिन का तो सबसे बड़ा हुक्स था, और इतने सालों से अपने को पता ही नहीं चला, क्योंकि अपन ने देखा ही नहीं उतना ध्यान से कि अरे ये तो अपाई जो ये साइंटिस्ट कैसे, और इसका खड़ा भी होता है, बच्चा भी पैदा करता है। मतलब ये तो सबसे बड़ा हुक्स है, और लोगों ने मान भी लिया। ये ब्लैक विडो किसी ने पिक्चर देखा है क्या? ब्लैक विडो में वो हीरोइन का नाम मैं भूल गया, ऐसा थोड़ा हाइट में छोटा है, बहुत खूबसूरत है, तो ब्लैक विडो वो हाइब्रिड कुछ तो रहता है, मतलब उसको छक्का बनाया जाता है, और मतलब किडनैप किया हुआ बच्चा रहता है, वो बच्ची रहती है, फिर उसका ऑपरेशन करके उसको जेंडरलेस बनाया जाता है, और फिर उसकी कहानी बनाती है कि उसका फैमिली है, पापा मम्मी एक बहन, कहानी बनाया, और फिर ये इनका सुपर हीरोज रहता है वो लोग, तो फिर अपने फेक बाप से वो मिलती है, उसको जेल में रखा रहता है, तो वो मिल छुड़ाती है, तो बोलती है कांट बिलीव कि बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज फेक, मतलब उसका जो फैमिली और ये सब फेक था। तो ऐसा ही कुछ ये लोग करते हैं, पूरा फेक फैमिली रहता है, फेक फैमिली हिस्ट्री, और ऑलमोस्ट सब कुछ फेक रहता है, और ये लोग को टॉप पोजीशन पे बिठाया है, और इनका बहुत सारा लाइफ का पार्ट मिसिंग है, और किसी को शक भी नहीं होता अरे
क्योंकि अभी अभी अपने को भी शक होने लग गया, पहले तो अपन ने भी नहीं देखा था, अभी अभी अरे चले इधर भी झोल है उधर भी झोल है। तो ऐसा करके ये लोग ने फेक स्टोरीज से ये सब चलता है इनका। इवन जो विराट कोहली था वो भी टोटल फेक था, लैब से निकला वो भी फेक था, कितना सारा फेक था।